हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट एंड पार से रिलेटेड ये वर्कशीट है 13 अगस्त की। तो इसमें हम एक्सपोनेंट क्या है, पार क्या है, उसको एक बार जल्दी से जान लेते हैं। जैसे कि पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से कर रखा है, चैनल पर अपलोड है, पहले आपको बेसिक ही उसका जो है इंट्रो वो ही समझा रखा है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4:2, तो ये आपके पास जो होता है ना, ये होता है बेस और ये होती है आपके पास एक्सपोनेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये होता है आपके पास पार। ठीक है, अब 1 पे आपको पता है कितनी पार लगा लो आंसर 1 ही रहता है, तो क्या -1 पे कितनी पार लगा लो आंसर -1 ही रहेगा? नहीं, अगर -1 पे इवन पार है तो आंसर 1 रहेगा, लेकिन अगर -1 पे ऑड पार है, मतलब 3, 5, 7 इस फॉर्म में है, तो आंसर -1 आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, ये एक एक्टिविटी है, इसको आप कर लीजिएगा। एक पे रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करके एक्टिविटी बतानी है। यहाँ पर हम ये वाला कॉलम करते हैं जिसमें आपको बेस एक्सपोनेंट वगैरह बताना है। तो बेस इसका -3 हो गया, इसका बेस 10 हो गया, इसका -1 हो गया, इसकी एक्सपोनेंट 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है, इसकी 4 है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है ना। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब सिर्फ उनको खोल के लिखना, 10 को लिख दो 4 टाइम्स, -5 को तो 1 ही टाइम लिखना है क्योंकि उसकी पार 1 है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, ये दोनों माइनस आपस में कट हो गए। 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 1 के आगे 4 0 लगा दी, -5 का -5 ही रहेगा। क्लियर है? और देखते हैं और कुछ है क्या वर्कशीट में, बिल्कुल लेट्स ट्राई भी है। चलो, कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। दो बार टी है ना तो टी की पावर 2, 3 बार 10 है ना तो 10 की पावर 3, 2 बार 3 है ना 3 की पावर 2, 3 बार 5 है 5 की पावर 3, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 0 आएगा। आपको 10 की पावर 4 खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है 3 × 5 की पावर 4, हाँ 5 को 4 बार खोलना पड़ेगा ना, तो 25 × 25 होता है आपके पास 625, इंटू में 3 कर दो तो 1875 आंसर है। ठीक है, सेम इसको 3 की पावर 3 लिखो पहले, तो 3 बार 3, 10 की पावर 2 लिखो तो 10 बार 2, 2 10 जो है वो 2 बार लिख देना, 3 3 जा 9 3 जा 27, 20 ऐसी है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो चैप्टर्स को एनसीईआरटी से इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो फटाफट आंसर कर सको। ठीक है, इसलिए पहले ही सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और आरडी शर्मा से भी अपलोड होने शुरू हो गए हैं। प्लस डीओई की तरफ से आपको एक क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके क्वेश्चंस भी अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर सको। थैंक यू।